कैसे हैं मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और मुझे उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपी में नीट की काउंसलिंग और एमबीबीएस एडमिशन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत चेंजेस किए हैं, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है तो इन चेंजेस को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चेंजेस क्या है मैं आपको बता दूँ। देखिए, आप सबको पता है कि अगर आप यूपी से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने यूपी से 10th और 12th क्वालिफाई किया है, यानी पास आउट किया है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस चीज़ को गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया। दूसरी बात, यूपी में क्योंकि गवर्नमेंट की जो एमबीबीएस सीट्स हैं वो थोड़े काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर एमबीबीएस अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहेंगे तो सिर्फ वही बच्चे कर पाएंगे जिनके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, यानी यूपी का निवास प्रमाण पत्र होगा। अब मान लिया कोई बच्चा है जिसने यूपी से 10th किया बट 12th वो बाहर चला गया, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, एमपी से, और फिर वो चाहता है कि वो वापस से आके यूपी स्टेट कोटा में अपेयर हो, तो उसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। अगर आपने 10th 12th यहीं से किया है तो उस कंडीशन में कोई नीड नहीं, ठीक है। यूपी के बाहर का बच्चा गवर्नमेंट सीट से एमबीबीएस नहीं कर सकता है, प्राइवेट कॉलेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, इस बार जो है काउंसलिंग के लिए 16 जो है नोडल सेंटर्स बनाए गए। ये सेंटर्स जो बेसिकली हैं वो KGMU लोहिया, GSVM कानपुर, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, MLB झांसी, BRD गोरखपुर, MLN प्रयागराज, आयुर्विज्ञान संस्थान सिफई, राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर कन्नौज, मतलब जो ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं इनको भी नोडल सेंटर्स के रूप में स्थापित किया गया है। यानी काउंसलिंग के बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा वो सब इन्हीं सेंटर्स पे होगा, क्योंकि लास्ट ईयर यूपी में बहुत से कॉलेजेस में स्कैम को लेकर बहुत चीज़ें हुई थी। बहुत से बच्चे थे जो फीस दे चुके थे बट उनको काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला था, मैनेजमेंट कोटा के जरिए बहुत चीज़ें की गई जो कि नहीं जायज़ थी। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बहुत क्लियर कर दिया है कि MBBS की सीट किसी भी बच्चे को मिले, BDS की सीट किसी भी बच्चे को मिले, वो नीट के काउंसलिंग के बेस पे होगी। और दूसरा, आपको नोडल सेंटर पे जाना होगा, वहाँ जब जाएंगे उसके बाद ही आप एडमिशन ले पाएंगे। सो इस वीडियो में तो ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।